है दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन का आगे का पार्ट कवर किया था, जिसमें मैंने मेजरली ब्रशेस के बारे में आपसे बात की थी। ब्रश का काउंट मैंने समझाया था किस तरह से निकाला जाता है, कि नंबर ऑफ ब्रशेस हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल आते हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ काउंट करना बताया था डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइंडिंग। और उसके बाद हमने देखा था आर्मेचर कोर, जिसके अंदर मैंने बोला था ओपन टाइप ऑफ स्लॉट यूज होते हैं एंड इट कैरीज हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स। फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग की ओर गए थे, जिसके अंदर बस मैंने इंट्रोडक्शन किया था कि जब वाइंडिंग डिजाइन की बात आती है तो उसके अंदर हम वाइंडिंग को दो कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा ओपन एंड क्लोज। मैंने बोला था ओपन वाइंडिंग क्या होती है, जो स्लिप रिंग पे टर्मिनेट होती है एसी मशीन में, और क्लोज्ड वाइंडिंग क्या होती है, जो कम्यूटेटर पे खत्म होती है, दैट इज इन द केस ऑफ कम्यूटेटर टाइप ऑफ मशीन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आर्मेचर वाइंडिंग के डिस्कशन को ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, वील टॉक मोर अबाउट आर्मेचर वाइंडिंग। जितनी हमने बात की थी उससे आगे की बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा देखो मैंने पहले भी बताया था, आर्मेचर वाइंडिंग एक काफी जनरल टॉपिक है जो कि सभी रोटेटिंग मशीन्स के अंदर यूज होता है, इसीलिए इसको डीसी मशीन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखो आज के लेक्चर में मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, उन टर्म्स को बहुत अच्छे से हमें समझना है, एक एक टर्म का सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ताकि कभी किसी क्वेश्चन में वो टर्म अपीयर करती है तो तुरंत माइंड के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए किस बारे में हमसे बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज योर कंडक्टर। अब देखो होता क्या है कि हम लोग किसी भी टर्न को हम लोग कैसे शो करते हैं, टर्न पे भी मैं आऊंगा अभी, बट टर्न को कैसे शो करते हैं कुछ इस टाइप से, इस तरह से। इसमें हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ये एक टर्न होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ए बी वाला पार्ट है और ये जो डी ई वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। बात मेरी क्लियर हो रही है? अब बात है कंडक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। पूरे एक टर्न में सिर्फ ये दोनों वायर्स हैं ए बी और डी ई, जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा है, यानी बाकी का जितना भी एलिमेंट बचता है, जैसे एसी बचेगा, सीडी बचेगा, बीएफ बचेगा, एफई बचेगा, ये सारा पार्ट एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा नहीं बनता। इसीलिए ना पहले एक पॉइंट लिख लो, द पार्ट ऑफ अ टर्न दैट एक्टिवली टेक्स पार्ट, द पार्ट ऑफ अ टर्न दैट एक्टिवली टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड एज कंडक्टर। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारा जो है सिलेंड्रिकल टाइप का आर्मेचर होता है, इसी टाइप का होता है ना, सिलेंड्रिकल टाइप का आर्मेचर होता है। जैसे मान लो ये दो स्लॉट में एक एक कंडक्टर गया है, तो कंडक्टर ना ऐसे जा रहा होगा, फिर ये जो पीछे वाली डिस्क है उस पे से घूम के इसमें से लौट आता है। अब ये पीछे वाली डिस्क पे घूम कैसे रहा है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये वाला पार्ट है, फिर ए बी सी डी। तो जब ये रोटर घूमेगा, जब ये आर्मेचर घूमेगा, तो ये दो कंडक्टर घूमेंगे ए बी और डी, और साथ ही साथ ये एसी और सीडी वाला हिस्सा भी रोटेट करेगा, एसी और सीडी वाला हिस्सा। अब देखो ये समझाता हूं किस तरह से रोटेशन होता है, मेरी बात को समझना।
देखो ये मान लो ये एक टर्न है इस टाइप से, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये है ए बी, ये राइट वाला हिस्सा है डी ई, और ये ऊपर वाला है ए सी डी। यहां पे ऐसे मैंने डायमंड शेप तो नहीं दिखाया है, फ्लैट मान लो अभी के लिए फ्लैट है। अब ये टर्न जो है ना, अगर विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये एक्चुअल में ना ऐसे रखा होता है, ये वाला हिस्सा सपोज ए बी हो गया, ये वाला डी ई हो गया, और ये हो गया ए सी डी। अब ये कॉपी इस तरह से घूम रही है, टर्न इस तरीके से घूम रहा है, तो देखो ये जो कंडक्टर आ रहा है ना, ये सेंटर के अबाउट सर्कुलर वे में घूम रहा है। कंडक्टर कैसे घूम रहा है? सर्कुलर वे में। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये कैसे घूम रहा है? ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। मेरी उंगली पे ध्यान देना, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। लाइन को देखो ना, ये लाइन कैसे घूम रही है? ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। और कंडक्टर कैसे घूम रहा है? कंडक्टर हमारा पूरा सर्कुलर मोशन में जा रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर देखो मैं पोल्स शो करूं, अगर देखो मैं पोल्स शो कर देता हूं मशीन के अंदर, जैसे मान लो ये मैंने दिखाया नॉर्थ पोल, ये मैंने दिखा दिया तुम्हें साउथ पोल, या इनका सरफेस और हम आर्क शेप्ड कर देते हैं। अब यहां ये जो रोटर है, ये जो दो कंडक्टर दिखा रहा हूं ना ए बी और डी ई, वो तो इस तरह से घूम रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। ये एक्सिस है, इसके अबाउट दोनों कंडक्टर ऐसे गोल वे में रोटेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कॉपी से भी दिखाया, ये वाला कंडक्टर ए बी है, ये वाला कंडक्टर डी ई है, ये बीच में एक्सिस ऐसे मान लो, तो देखो बीच में एक्सिस अगर ये मार्कर से रिप्रेजेंट करते हो तो दोनों कंडक्टर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूं। ये रही एक्सिस, अब ये कॉपी को जरा घुमाओ इस एक्सिस के अबाउट, तो तुम ये देखोगे इस एक्सिस के अबाउट ये वाला कंडक्टर भी घूम रहा है और दूसरे वाला भी घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छा अब ये देखो ये वाला पार्ट कैसे घूम रहा है, ये एक्सिस है, ये वाला पार्ट इस एक्सिस के अबाउट ही एक ही जगह गोल गोल रोटेट कर रहा है। यानी एक्चुअल में ये जो एसीडी वाला पार्ट है ये एक्चुअल में ऐसा है, अगर मैं फ्लैट शो करूं, और ये इसी तरीके से घूमे जा रहा है। जब ये इसी तरीके से घूमे जा रहा है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ से साउथ है बी, इसमें देखो हर पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी, इस टाइप से होगी, और इधर कैसे होगी, उल्टी डायरेक्शन में होगी। यानी एसी की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है तो सीडी की वेलोसिटी कैसे है, अपवर्ड्स। दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है तो दोनों में बनने वाला ईएमएफ भी अपोजिट होगा, तो अगर इधर प्लस माइनस ई आया तो इधर आएगा माइनस प्लस ई, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, जीरो। यानी ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है एसीडी, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ऐसा इसलिए एसी और सीडी वाले पार्ट की वेलोसिटी आपस में अपोजिट है, और जब ईएमएफ निकालते हैं तो वी क्रॉस बी से निकालते हैं, अगर वी अपोजिट हो गया तो ईएमएफ भी अपोजिट होगा, तो टोटल ईएमएफ क्या बन जाएगा, जीरो। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो एक्चुअल में ईएमएफ कौन से में इंड्यूस होता है, ए बी और डी ई में, इन्हीं को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एसीडी पोर्शन ऑफ अ टर्न, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एसीडी पोर्शन ऑफ अ टर्न इज जीरो, इन एसीडी पोर्शन ऑफ अ टर्न इज जीरो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब अगली टर्म लिख लेना टर्न, अगली टर्म है तुम्हारी टर्न, तो इसमें लिखना अ टर्न इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर जॉइंड टुगेदर by means of extra conductor material
एक्स्ट्रा कंडक्टर मटेरियल कॉल्ड ओवरहैंग, कॉल्ड ओवरहैंग। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया ना तुमने एसीडी वाला, इसको ओवरहैंग कहते हैं। तो मैंने बोला एक टर्न क्या है, बेसिकली दो कंडक्टर हैं ए बी और डी ई, और उन्हें जोड़ा किसकी मदद से गया है, एक ओवरहैंग की मदद से। और अभी मैंने ये चीज प्रूव की कि ओवरहैंग में नेट ईएमएफ क्या आता है, जीरो। बात क्लियर है ना कि मोशन कैसे हो रहा है। ये कॉइल है, ये वाला कंडक्टर ए बी, ये वाला कंडक्टर डी ई, और ये वाला पार्ट आगे वाला है ओवरहैंग। जब ये कॉइल घूमती है तो ओवरहैंग अपनी ही पोजीशन पे गोल गोल घूमता रहता है, बट ये जो कंडक्टर्स हैं ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। अब देखो जरा ईएमएफ अगर निकालें, इस वाले कंडक्टर की वेलोसिटी राइट में है, इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट में, मैग्नेटिक फील्ड है राइट में। जरा एक्स वाई जेड बना लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब मैग्नेटिक फील्ड किसमें है भाई, ए वाई, इसकी वेलोसिटी ए वाई और इसकी वेलोसिटी माइनस ए वाई। तो अभी तो ईएमएफ जीरो इंड्यूस होगा। अब मान लो ये ए बी और डी को इस पोजीशन से उठा के यहां रख दिया जाए, ठीक है। मैंने क्यों बोला जीरो होगा, V क्रॉस B करोगे ना तो V और B अगर पैरेलल आ गए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, डाउनवर्ड्स का मतलब माइनस ए जेड, और इसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी यानी कि ए जेड। तो ए जेड क्रॉस ए वाई, ए जेड क्रॉस ए वाई क्या होगा, माइनस ए एक्स यानी अंदर, और माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, वी क्रॉस बी कर रहा हूं तो माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई यानी कि प्लस ए, प्लस ए एक्स यानी बाहर। तो ए बी में अगर डॉट आ रहा है तो डी ई में क्या आ रहा है, क्रॉस। इसका मतलब अगर ए बी में प्लस माइनस आ रहा है तो डी ई में आ रहा है माइनस प्लस, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, इस कॉइल में या इस टर्न का नेट ईएमएफ अगर निकालोगे ई ई, तो कैसे निकालोगे, माइनस से प्लस, प्लस ई, माइनस से प्लस, प्लस ई, तो नेट ईएमएफ, या इसको ई कंडक्टर कह दो, इक्वल टू टू टाइम्स ई कंडक्टर। बात क्लियर हुई, दोनों कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिट पोलैरिटी का होता है, इसीलिए पूरे एक टर्न में कितना ईएमएफ आता है, दुगना आता है एक कंडक्टर से। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द टू कंडक्टर्स ऑफ अ कॉइल, द टू कंडक्टर्स ऑफ अ कॉइल हैव ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, हैव ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन देम, इंड्यूस्ड इन देम, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, due to which net EMF induced in a turn, net EMF induced in a turn is double the EMF per conductor, is double the EMF per conductor। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, एक कंडक्टर अगर साउथ में तो दूसरा कंडक्टर किस में है, नॉर्थ में, यानी दोनों के बीच में कितना एंगल है देख के बताओ जरा, 180 डिग्री, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, यहां मैकेनिकल दिख रहा है। अगर मैकेनिकल दिख रहा है तो क्या बोलें, एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां सेपरेशन बिटवीन ए बी एंड डी ई कितना है, 180 डिग्री, जो एंगल दिखता है वो होता है मैकेनिकल, लेकिन यहां पोल्स हैं दो, जिसका मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल बराबर हैं, जिसका मतलब सेपरेशन कितना बना, सेम बना इलेक्ट्रिकल में भी। और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल मैंने बताया था क्या होता है भाई, पोल पिच, मैंने बोला था ना पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, क्योंकि 180 डिग्री शिफ्ट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल, और नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी रिवर्स होती है। तो हम ये कहते हैं दोनों कंडक्टर में हमें अपोजिट ईएमएफ चाहिए, दोनों में अगर अपोजिट ईएमएफ चाहिए
तो एक कंडक्टर नॉर्थ में जाए तो दूसरा कंडक्टर किस में जाना चाहिए, साउथ में। तो दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, एक पोल पिच का, एक पोल पिच माने 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, इन ऑर्डर टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, इन ऑर्डर टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी इन द टू कंडक्टर्स वन मस्ट लाई अंडर नॉर्थ पोल एंड अदर अंडर साउथ पोल so they must be separated by one pole pitch और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, बाय वन पोल पिच और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। देखो कहने का मतलब क्या है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि दोनों कंडक्टर में जो ईएमएफ बने वो अपोजिट बने, अपोजिट बनेगा तभी तो नेट डबल आता है। अगर दोनों में ईएमएफ सेम बन रहा होता तो नेट ईएमएफ क्या बनता, जीरो। अब मान लो चार पोल होते तो ये ध्यान देना कि एक कंडक्टर अगर नॉर्थ में गया तो दूसरा साउथ में ही जाना चाहिए। ऐसा मत करना कि दोनों को हमेशा 180 डिग्री पे रख दो जिस कारण से दोनों ही किस में आ जाएं, नॉर्थ में। अब इन दोनों के बीच में मैकेनिकल एंगल है 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा दोनों कंडक्टर का जो सेपरेशन है दैट इज 90 डिग्री मैकेनिकल, और पोल्स हैं अपने पास चार, तो सेपरेशन होगा 4/2 × 90 degree यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये बात हर मशीन के लिए ध्यान रखना, आइडियली अगर एक कंडक्टर नॉर्थ पोल में लाई करे तो दूसरा किस में लाई करना चाहिए, साउथ में। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक, ठीक है। अब अगली टर्म पे चलते हैं, अगली टर्म लिखना कॉइल, अगली टर्म लिखो कॉइल। अब देखो क्या होता है, अभी तक मैंने एक ही टर्न की बात की है ना जिसमें दो कंडक्टर हैं, तो कॉइल क्या होती है, कॉइल में ऐसे कई टर्न्स हो सकते हैं। तो इसमें लिखना a coil may consist of multiple turns। अब देखो इस टाइप से अगर सिस्टम है तो ये क्या है, एक टर्न है, और ये दोनों ब्रांचेस इसकी क्या हैं, कंडक्टर है, ठीक है। अब इसी सिस्टम को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, अब मान लो ये है, अब मुझे बताओ जरा इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं, इसमें दो टर्न्स आ रहे हैं, तो ये हो गई एक कॉइल। तो इसमें कितने टर्न्स लिए मैंने एक कॉइल में, टू टर्न्स, ज्यादा भी ले सकते थे 3, 4, 5। तो इस तरह से कॉइल के अंदर मल्टीपल टर्न्स होते हैं और एक टर्न के अंदर दो कंडक्टर होते हैं। अगर पहले ही बोल दो कि एक कॉइल सिंगल टर्न वाली है तो कॉइल और टर्न दोनों सेम चीज हैं, अदरवाइज एक कॉइल के अंदर मल्टीपल टर्न्स प्रेजेंट होते हैं। अगली डेफिनेशन लिखो कॉइल साइड। अब कॉइल की एक साइड को कहा जाता है कॉइल साइड, यानी देखो कॉइल साइड क्या है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, दिस इज कॉल्ड एज कॉइल साइड। मेरी बात समझ आई, कॉइल साइड का मतलब क्या होता है। तो बस ये डायग्राम ड्रॉ करके कॉइल साइड मार्क कर लेना, इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है।
अब देखो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं पहले ना तुम्हें ये सब चीजें मैथमेटिकली समराइज करा देता हूं, क्योंकि कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है ना कि तुम लोगों के लिए ओवरवेलमिंग ना हो जाए चीजें। तो देखो अभी तक हमने क्या बोला कि टर्न क्या होता है, ये होता है कंडक्टर प्लस ओवरहैंग, ओवरहैंग के अंदर ईएमएफ रहता है जीरो। फिर हमने बोला एक टर्न के अंदर कितना ईएमएफ आता है, इट इज ट्वाइस ऑफ ईएमएफ पर कंडक्टर। वन कंडक्टर अगर नॉर्थ पोल में हो तो दूसरा कंडक्टर किस में जाना चाहिए, साउथ पोल में, तभी दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है। या फिर ये कह दो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों कंडक्टर्स के बीच में, पोल पिच के बराबर या फिर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कॉइल इक्वल टू एन टर्न्स, ठीक है, कॉइल साइड ये होगा इक्वल टू एन कंडक्टर, कैसे देखो। अब ये जो कॉइल है इसमें कितने टर्न्स हैं, दो, और एक कॉइल साइड में कितने वायर या कितने कंडक्टर आ रहे हैं, दो। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, एक कॉइल में अगर एन टर्न्स होते हैं तो उसके एक तरफ एन कंडक्टर और दूसरी तरफ एन कंडक्टर, या ये भी कह सकते हो एक कॉइल में 2n कंडक्टर होते हैं, क्योंकि एक टर्न माने दो कंडक्टर, एक टर्न अगर दो कंडक्टर है तो n टर्न कितने कंडक्टर हुआ, 2n, इसमें से एक साइड पे n जाएंगे और दूसरी साइड पे भी कितने जाएंगे, n, ठीक है। कई लोग जो है ना इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर निकालने में या नंबर ऑफ टर्न्स निकालने में, तो बेसिकली ये ध्यान रखो एक टर्न दो कंडक्टर से बनाए, और ऐसे कई टर्न को जोड़ के क्या बनी है, कॉइल। तो कॉइल में अगर n टर्न्स हैं तो कितने कंडक्टर, 2n कंडक्टर, जिसमें से n कंडक्टर लेफ्ट तो n कंडक्टर राइट, और ये लेफ्ट और राइट को क्या बोल देते हैं, कॉइल साइड। तो एक कॉइल साइड में n कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है। और ये डेरिवेशन क्लियर था ना, मैंने बोला था ओवरहैंग एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर ईएमएफ जीरो आता है, ईएमएफ सिर्फ किसमें प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर के अंदर। आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन या अगला टर्म लिखो, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। अब देखो ये जो मैं टर्म यूज करूंगा ना, कॉइल साइड का यूज करूंगा, कॉइल साइड तो समझ गए ना, एक कॉइल दो हिस्सों में बांटी जा सकती है लेफ्ट और राइट, उसी को कहते हैं कॉइल साइड। अब सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या कहती है, एक पूरा का पूरा स्लॉट जो है, आर्मेचर कोर में स्लॉट बने हुए थे ना, एक पूरा का पूरा स्लॉट जो है उसमें कॉइल की एक ही साइड लाई करें तो उसे बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। और एक स्लॉट में अगर दो कॉइल की एक एक साइड आ जाए तो उसे बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। यानी एक स्लॉट यूज कर रही है अगर दो कॉइल्स तो डबल लेयर, एक ही कॉइल अगर यूज कर रही है तो सिंगल लेयर। तो इसमें लिखना, इन सिंगल लेयर वाइंडिंग द एंटायर स्पेस ऑफ वन स्लॉट, इन सिंगल लेयर वाइंडिंग द एंटायर स्पेस ऑफ वन स्लॉट इज ऑक्यूपाइड बाय वन कॉइल साइड वेयर एज इन डबल लेयर वाइंडिंग Each slot is occupied by two coil sides. Each belonging to different coil. ऐसा मत सोचना दोनों coil side एक ही coil की रखी जाएंगी, अलग अलग coil की। देखें कैसे show किया जाता है, पहले show करने का तरीका समझना। अभी जो स्लॉट है ना ये होते तो सर्कल में है, इसको दिखा मैं फ्लैट में रहा हूं, होते सर्कल में, ठीक है। यहां पे एक कॉइल साइड ऐसे चलेगा,
अब डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, स्लॉट थोड़ा गहरा बनाना पड़ता है क्योंकि एक कॉइल साइड नहीं दो कॉइल साइड इसके अंदर लाई करती हैं, और उन दोनों के बीच में इंसुलेशन दे सकते हो, किसी भी तरह से रखो उन्हें कि आपस में कनेक्ट ना हो पाए। एक दो, एक दो, एक दो, ठीक है। यहां पे कितनी साइड्स आ रही हैं, टू कॉइल साइड्स। अब देखो अगर मैं यहां ये कह दूं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स एस हैं, तो अब देखो जरा क्या क्या पैरामीटर मिलेंगे हमें, सिंगल लेयर और डबल लेयर में। अब सिंगल लेयर में अगर मैं कॉइल साइड्स की बात करूं, एक स्लॉट में एक कॉइल साइड है तो एस स्लॉट में कितनी कॉइल साइड होंगी, एस। एक स्लॉट में दो कॉइल साइड हैं तो एस में कितनी होंगी, टू एस। कॉइल्स की बात करें, अब एक कॉइल के अंदर दो साइड होती हैं, लेफ्ट और राइट दो साइड होती हैं, तो कितनी कॉइल हुई, एस बाय टू, क्योंकि दो कॉइल साइड से एक कॉइल बनती है, और यहां कितनी हुई, एस। तो ये रिलेशन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल्स आर इक्वल टू स्लॉट्स अपॉन टू, और डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल इक्वल टू स्लॉट, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखना, डबल लेयर वाइंडिंग इज यूज्ड इन डीसी मशीन, डबल लेयर वाइंडिंग इज यूज्ड इन डीसी मशीन एंड ऑल एसी मशीन्स बिकॉज ऑफ ओवरहैंग क्रॉसओवर प्रॉब्लम इन सिंगल लेयर वाइंडिंग, ओवरहैंग क्रॉसओवर प्रॉब्लम इन सिंगल लेयर वाइंडिंग। देखो होता क्या है ना, सिंगल लेयर वाइंडिंग जो है, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि एक कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं और साथ साथ क्या होता है, ओवरहैंग होता है। ओवरहैंग का पर्पस क्या होता है, दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़े रखना, वो एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा बनता ही नहीं है। तो अगर दो अलग अलग कॉइल का ओवरहैंग एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो कॉइल के डिजाइन में दिक्कत आएगी, और ओवरहैंग की क्रॉसिंग को बचाया फिर कैसे जाता है कि कोई कॉइल बड़ी बनाओ तो कोई कॉइल छोटी बनाओ, ताकि जो इनका ऊपर वाला पोर्शन है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करे। अगर ऐसा करने लगोगे तो हर कॉइल का शेप और साइज अलग अलग होगा, जिससे कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में अगर बताया ना जाए सिंगल लेयर है या डबल लेयर, तुम बाय डिफॉल्ट मानोगे डबल लेयर। तो इसमें लिखना, इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रॉस ओवर इन सिंगल लेयर वाइंडिंग, इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रॉस ओवर इन सिंगल लेयर वाइंडिंग, वी हैव टू डिजाइन ईच एंड एवरी कॉइल विद डिफरेंट शेप एंड साइज which increases the overall cost, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डबल लेयर वाइंडिंग ऑल कॉइल्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड टू अवॉइड ओवरहैंग क्रॉसओवर वी प्रोवाइड अ स्मॉल किंक, KINK, किंक इन डायमंड शेप, अ स्मॉल किंक इन डायमंड शेप। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो ये डबल लेयर वाइंडिंग बनाता कैसे हूं ना, ध्यान से समझना। देखो डबल लेयर वाइंडिंग मैंने तुम्हें तब भी बताई थी जब हम कम्यूटेटर पढ़ रहे थे, कि एक ही स्लॉट के अंदर दो अलग अलग कॉइल का हिस्सा अगर आता है तो उसे कहते हैं डबल लेयर वाइंडिंग,
लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था एक कॉइल की अगर एक साइड ऊपर रखी गई है तो दूसरी साइड कहां रखी जाएगी, नीचे। एक बार यह भी पॉइंट लिख लेना, इफ वन कॉइल साइड ऑफ अ कॉइल लाइज इन टॉप पोर्शन ऑफ अ स्लॉट, then other side lies in bottom slot. अब इस बात का मतलब क्या है, देखो मान लो यहां बॉटम से उठाई एक कॉइल, यहां डायमंड स्ट्रक्चर बनेगा ना, डायमंड स्ट्रक्चर सीधा फ्लैट मत बनाओ, पहले ना इसको पिक कर लो थोड़ा सा, जैसे मैं स्लॉट्स को नंबर भी दे देता हूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो ये कॉइल शुरू 1 से हुई है और इसको खत्म किस पे होना है, 4 पे, तो ऐसे उठा के फिर हम इसको यहां भेजते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 2 वाली कॉइल लाओगे, 2 वाली कॉइल आई, नीचे से निकल गई क्योंकि यहां से तो ये ऊपर उठ गया था, फिर ऊपर उठाई और किस में भेज दी, 5 में, ठीक है। ऐसे ही 3 वाली आएगी, अगेन नीचे से आएगी, इनके नीचे से निकल गई, फिर ऊपर गई, अगला किस में जाएगी, 6 में। तो इस तरह से क्या होता है ना, जो बाहर वाला ओवरहैंग पोर्शन है ये कभी क्रॉस करता ही नहीं है। तो एक्चुअल में पूरी कॉइल या डायमंड स्ट्रक्चर बनता कैसे है ना, देखो ये ऐसे चलता जा रहा है फ्लैट, फिर ऊपर उठेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, ऊपर थोड़ा सा उठा के ले जाना है उसे, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा और फिर ये इसमें जाएगा। तो इस तरह से, यानी जो डायमंड शेप है, डायमंड शेप के जो दोनों कंडक्टर हैं, दो हाफ हैं, वो दोनों सेम लेवल पे लाई नहीं करेंगे। देखो जैसे पहले ये पूरा डायमंड था, ये प्लेन था ना, अब डायमंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक थोड़ा ऊंचा और एक थोड़ा नीचे, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट। ये पूरा डायमंड है एक, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा नीचे रह गया, ये थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ताकि जब नीचे से कॉइल निकल रही है तो इस वाले हिस्से को टच ना करे। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि ओवरहैंग में आपस में क्रॉसओवर ना आए। अगर कभी कोई तुमसे ये पूछे भाई सिंगल लेयर की जगह डबल लेयर क्यों यूज करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवरहैंग क्रॉसओवर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो मैं ये तो तुम्हें बता चुका हूं कि ओवरहैंग क्या होता है, आगे चलें। अगला डेफिनेशन लिखना कॉइल स्पैन, कॉइल स्पैन। तो इसमें लिखना द नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच कॉइल or the distance between the two coil sides is called coil span। कहने का मतलब देखो, ये जो ब्लैक वाली कॉइल है ये पहले स्लॉट में थी, अगला किस में गई, चौथे स्लॉट में। तो मैं ये कहता हूं कॉइल का स्पैन क्या होगा, फोर्थ स्लॉट माइनस फर्स्ट स्लॉट, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 1, 3 स्लॉट। चाहे तो सेकंड वाली को भी देख लो, 2 में शुरू हुई खत्म हुई 5 में, तो 5 माइनस 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन। अब देखो अगर ये मान लें कि एक अपने पास आर्मेचर है इसमें ऐसे स्लॉट्स बने होंगे, ठीक है, पूरे नहीं बना रहा हूं, इतना ही दिखा देता हूं। इस टाइप से ये मान लो कि इसके अंदर कितने स्लॉट हैं, एस स्लॉट। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि भाई मुझे ये बताओ एक स्लॉट सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, एक स्लॉट। तो अगर एस स्लॉट है तो कितना एंगल बनाना चाहिए, 360 बाय एस। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, क्या लिखता हूं, स्लॉट पिच इज 360 डिग्री मैकेनिकल, क्योंकि जो एंगल ऑब्जर्व होता है वो तो मैकेनिकल है, बाय एस। अगर इसी को इलेक्ट्रिकल में लाना हो,
ठीक है, चाहे तो स्लॉट पिच की डेफिनेशन भी लिख लेना, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर, बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर इज कॉल्ड स्लॉट पिच, इज कॉल्ड स्लॉट पिच। अगर इलेक्ट्रिकल में लाना हो तो कैसे लाते हैं, मैकेनिकल को मल्टीप्लाई करते हैं पी बाय टू से। तो मैं कहता हूं स्लॉट पिच अगर इलेक्ट्रिकल में लेके आना है तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाय एस इंटू पी बाय टू, यानी 180 अपॉन एस बाय पी, ये होगा। अब आइडियली हम क्या चाहते हैं, आइडियली वन कॉइल साइड नॉर्थ पोल में हो, तो अदर कॉइल साइड कहां जानी चाहिए भाई, अदर कॉइल साइड जानी चाहिए साउथ पोल में, ताकि दोनों में जो ईएमएफ बने वो अपोजिट बने और नेट ईएमएफ दोनों का सम आ जाए। इसका मतलब है कि कॉइल का स्पैन कायदे से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना, अगर एंगल में बात करें, एक स्लॉट का एंगल है 180 अपॉन एस बाय पी और कॉइल का एंगल है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आ गए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में, 180 डिग्री टोटल एंगल है और एक स्लॉट का एंगल है 180 अपॉन एस बाय पी। ठीक है, तो आइडियली एक कॉइल का स्पैन क्या होना चाहिए, स्लॉट्स पर पोल। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, इफ वी वॉन्ट वन एंड ऑफ अ कॉइल टू लाई अंडर नॉर्थ पोल एंड अदर एंड टू लाई अंडर साउथ पोल then coil span should be 180 degree electrical or S by P in terms of number of slot। ठीक है, ये मेरी बात यहां तक क्लियर हुई, कॉइल स्पैन कितना आना चाहिए, S by P आना चाहिए या 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, दोनों का मतलब एक ही है। अब अगला टर्म लिखो, कॉर्डेड कॉइल और शॉर्ट पिच्ड कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब है अगर कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना लेके उससे कम लिया जाए, तो इसमें लिख लेना, इफ कॉइल स्पैन इज लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल then it is said to be short pitched coil। ठीक है, अब देखो हम क्या चाहते हैं आइडियली, कि कॉइल का अगर एक साइड नॉर्थ पोल में लाई करे तो दूसरा साइड कहां जाना चाहिए, साउथ में। तब हम ये कह सकते हैं कि यहां कॉइल स्पैन कितना है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्योंकि दोनों पोल्स के बीच का एंगल कितना होता है। लेकिन अगर मेरी कॉइल ऐसी है कि उसका एक एंड नॉर्थ में और एक साउथ में ना लाई करे, यानी कि उसका स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम हो जाए, कितना कितना कम हो जाए भाई दोनों तरफ से,
सपोज एप्सिलन बाय टू, और इधर से भी कम हो गया एप्सिलन बाय टू, तो कॉइल स्पैन रह कितना गया, दोनों तरफ से एप्सिलन बाय टू कम हुआ तो टोटल कम हो गया एप्सिलन, तो ये रह गया 180 माइनस एप्सिलन। एप्सिलन को बोलते हैं शॉर्ट पिचिंग एंगल या कॉर्डिंग एंगल। इसके भी देखो कुछ एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर, ठीक है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में कि क्या एडवांटेजेस हैं, इससे वोल्टेज में क्या असर पड़ता है, ये सब बातें होंगी वेयर इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अभी के लिए क्या याद रखोगे, अगर कॉइल स्पैन 180 से कम है तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, और अगर ये कॉइल स्पैन 180 है तो इसको बोलते हो फुल पिच वाइंडिंग। जब तक शॉर्ट पिच ना बोला जाए, जब तक कॉइल को क्या मानोगे हमेशा, फुल पिच वाइंडिंग। ये है अपनी शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। ये क्लियर हुआ कॉर्डेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई, यहां तक मेरी बात क्लियर है। अगला लिखना कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच। अब इसमें लिखना द डिस्टेंस इन कॉइल साइड, द डिस्टेंस इन कॉइल साइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट टू विच बोथ साइड्स आर कनेक्टेड, टू विच बोथ साइड्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड कम्यूटेटर पिच, इज कॉल्ड कम्यूटेटर पिच। देखो जैसे हमने पहले भी डायग्राम बनाया था ना, वैसा ही मैं डायग्राम दिखा रहा हूं जो मैंने तुम्हें कम्यूटेटर के टाइम पे भी दिखाया था। अब इसमें मैंने क्या दिखाया था, दो दो वाइंडिंग दिखाई थी तुम्हें, डबल लेयर ही थी ना ये भी। अब मेरे हिसाब से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि डबल लेयर क्या है। फिर मैंने यहां कम्यूटेटर बनाया था भाई, कम्यूटेटर हमने दिखाया था कुछ इस टाइप से, फिर मैंने कॉइल्स के कनेक्शन दिखाए थे कि वन का ऊपर वाला उठ के गया थ्री के नीचे वाले में। अब सोचो इस कॉइल का स्पैन अगर पूछूं तो थर्ड स्लॉट में और ये वन स्लॉट में, तो कितना हुआ, थ्री माइनस वन यानी कि टू। अच्छा एक चीज देखना, अब जरा चीजों को कनेक्ट करके दिखाता हूं, मेरी बात को समझना। यहां कॉइल स्पैन तुम्हें क्लियर दिख रहा है 3 - 1 = 2, और कितने स्लॉट दिख रहे हैं भाई, 1, 2, 3, 4 स्लॉट हैं, 4, और कितने पोल दिख रहे हैं, 2, तो अभी तो 2 ही आ रहा है S by P। अभी तो मैंने लिखवाया था कि कॉइल स्पैन क्या होना चाहिए आइडियली S by P, यानी कि जब मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा था तब मैं ऐसे ही ले रहा था, ऐसे ही। देखो ये वाली कॉइल ली थी, ये लिया था, फिर ये लिया था, ऐसे लिया था, ये बन गए थे ना कॉइल्स। तो हर कॉइल का अगर स्पैन देखोगे 2 स्लॉट ही आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक कॉइल देखना जरा, ये वाली कॉइल 1, 1 का ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा 1 वाले कम्यूटेटर में ही गया था, और इसमें गया था 2 का नीचे वाला हिस्सा, फिर 2 का ऊपर वाला हिस्सा 2 में, और 3 का नीचे वाला हिस्सा, 3 का ऊपर वाला हिस्सा 3 में, 4 का नीचे वाला हिस्सा, 4 का ऊपर वाला हिस्सा 4 में, और 1 का नीचे वाला हिस्सा। अब कॉइल 1 देखो, कॉइल 1 का ये ऊपर वाला कंडक्टर और कॉइल 1 का ये नीचे वाला कंडक्टर, ऊपर वाला किसमें कनेक्टेड है 1 में, नीचे वाला किसमें कनेक्टेड है 2 में। तो अगर मैं कहूं कम्यूटेटर्स में किस किस में कनेक्टेड है, तो कॉइल 1 का एक हिस्सा 1 वाले कम्यूटेटर में और दूसरा हिस्सा
टू वाले कम्यूटेटर में है, तो कम्यूटेटर पिच हुई टू माइनस वन यानी कि वन। तो हमें यह बताना होता है कि दोनों हिस्से जिस जिस कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़े हैं उसका डिफरेंस क्या है, दैट इज योर कम्यूटेटर पिच। अगर एक हिस्सा x में जुड़ा है एक हिस्सा y में, तो कम्यूटेटर पिच क्या हुआ, y माइनस x। कॉइल स्पैन तो स्लॉट में चल रहा है कि कॉइल कौन से स्लॉट के अंदर डाली गई है, अब उसके बाद उसे किस कम्यूटेटर में जोड़ा गया है इसके लिए क्या बताना है, कम्यूटेटर पिच। खुद सोचो, अगर कॉइल डिजाइन करनी है, मैंने तुम्हें स्लॉट्स बता दिए, भाई तुमने इस स्लॉट में सर्कल सर्कल ड्रॉ कर दिए, तुम ये बाहर से स्पैन देख के ये भी जोड़ लोगे, लेकिन अब मैं कहूं कम्यूटेटर से जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या पता चलना चाहिए, एक कॉइल की कम्यूटेटर पिच, यानी कि अगर उसका एक हिस्सा x वाले कम्यूटेटर में तो दूसरा किस में जाएगा, x प्लस कम्यूटेटर पिच। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो कम्यूटेटर पिच का यूज क्या है, टू नो द कनेक्शन ऑफ अ कॉइल विद कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इसमें लिख भी लेना, कम्यूटेटर पिच इज यूज टू कनेक्ट द कॉइल साइड टू सूटेबल कम्यूटेटर सेगमेंट, कनेक्ट द कॉइल साइड टू सूटेबल कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। अब देखो, अब आगे जो हम देखेंगे ना, वाइंडिंग का डिजाइन देखेंगे, तो हम एजम्पशन क्या लेके चलते हैं, एजम्पशन पहली, सिंप्लेक्स वाइंडिंग ना बड़ी हेडिंग है जिसके अंदर हमें वाइंडिंग का डिजाइन देखना है। तो पहली मैं बता रहा हूं एजम्पशन कि वाइंडिंग कैसी है, डबल लेयर, और दूसरी एजम्पशन वन कॉइल साइड अगर टॉप स्लॉट लेती है तो अदर कॉइल साइड क्या लेगी, बॉटम स्लॉट। ऐसी एजम्पशन पे हम लोग मशीन को डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि अब मैं तुम्हें आगे क्या बताने वाला हूं कि किस तरह से वाइंडिंग डिजाइन की जाती है, किस तरह से अलग अलग स्लॉट में कॉइल को डाला जाता है, फिर कैसे उसे कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है, और फिर कैसे उसके अंदर ब्रशेस को प्लेस किया जाता है। ये सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वाइंडिंग डिजाइन करनी है, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि वाइंडिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब देखो, अगर वर्बली में समराइज करूं, आज हमने क्या देखा, मैंने तुम्हें कंडक्टर का मतलब बताया, कंडक्टर वो है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है या जो एनर्जी कन्वर्जन का पार्ट है। दो कंडक्टर को जोड़ के बनता है एक टर्न, और ऐसे कई टर्न्स को जोड़ के बनती है कॉइल। कॉइल में दो साइड होती है, लेफ्ट और राइट, उन्हें कहते हैं कॉइल साइड। आइडियली अगर एक कॉइल साइड नॉर्थ पोल में है तो दूसरी कॉइल साइड जानी चाहिए साउथ पोल में, यानी उनके बीच का एंगल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पोल पिच। अगर ऐसा हुआ तो उसे कहोगे फुल पिच कॉइल, इससे कम हुआ तो शॉर्ट पिच कॉइल या कॉर्डेड वाइंडिंग, ठीक है। फिर मैंने सिंगल लेयर डबल लेयर बताया, सिंगल लेयर का प्रॉब्लम क्या है, ओवरहैंग क्रॉसओवर, जो कि किसमें सॉल्व होता है, डबल लेयर में। लेकिन डबल लेयर में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, डायमंड स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें छोटा सा किंक दिया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, ताकि किसी भी दो वाइंडिंग्स के ओवरहैंग आपस में क्रॉस ना हो। और डबल लेयर वाइंडिंग का अगर एक कॉइल साइड टॉप स्लॉट में है तो दूसरा कॉइल साइड बॉटम में जाता है, एक अगर टॉप है तो अगले में ये बॉटम में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, अब अगले लेक्चर के अंदर पूरी वाइंडिंग ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि वाइंडिंग ड्रॉ कैसे होती है, लैप और वेव, ठीक है। वो सारी बातें इससे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।